हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल द नीलेश शो। आज हम एक तेलुगु मूवी के सॉन्ग के ऊपर रिएक्शन देने वाले हैं। मूवी का नाम है रंगस्थलम और गाने का टाइटल है जिगेलू रानी। इसमें रामचरण है, समंता है, आदित्य शेट्टी है, प्रकाश राज है, जगपति बाबू है और अनुसूया भरद्वाज है। इस गाने को गाया है रेला कुमार और घंटा वेंकट लक्ष्मी ने। वोकल्स दिया है मेगा पावर स्टार रामचरण ने। वो डायरेक्टर हैं सुकुमार और म्यूजिक कंपोज किया है देवीश्री प्रसाद ने। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपने रिएक्शन। रंगस्थल ग्राम प्रजलंदरिकी विज्ञप्ति, मनंदर कलंलो जिगेलु निंपडनिकी जिगेलु रानी वच्चेसिंदि, आडि पाडि अलरि चेस्तंते मीरंदरू रेडी उंडंडि। अम्म जिगेलेनि वच्चे मनुवु वरे 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 ఎంత మంది జిగేల్ రాజాలు ఉన్నారా మీ ఊళ్ళో? మరుండ్రా ఏంటి, నువ్వు అత్తనం తెలిసి పక్కూరు నుంచి కూడా వచ్చాం ఎగేసుకుంటూ. ఇదిగో ఆ గళ్ళ సొక్క జిగేల్ రాజా ఏంది, గుడ్లు అప్పగించి చూస్తున్నావు అంకే? అందరి దగ్గరికి నేనే వస్తా, అందరు అడిగింది ఇచ్చే పోతా. అది సభకి పెట్టేశానే, తన్నేమో కరణానికి కొట్టేశానే. ముద్దేమో మన సభకి పెట్టేశానే, తన్నేమో కరణానికి కొట్టేశానే. ఒకసారి వాటంతవా జిగేలు రాని, కొత్త ప్రెసిడెంట్ గది దాచించానే. మా బట్టల ఇంటి కొత్తవా జిగేలు రాని, మీ అయ్యతోటి పోటీ నీకు వద్దంటానే. మరి నాకేమిత్తావే జిగేలు రాని, పంచి ఊడితే నవ్వేస్తానే. మనో బాబా అనవ జిగేలురానే, అది పోలీసోళ్ళకి రిజర్వ్ వేస్తానే. ప్రేమిస్తావన్నాను జిగేలురానే, రాజా
ఊర్రు అనేది ఊరు కొత్త మొహలా ఉంది, ఇలా ఎక్కడికి వెళ్తాం ఏంటి? బతి పెదపోడండి, బుచ్చినాడు భవన్లో చెరుక్కోవడానికి వచ్చాం. మా ఊరు క్యారేజ్ పట్టుకు వెళ్తున్నానండి. ఆహా, నా పాట తులం బంగారం, నా పాట సంతలో కొన్న కోడెద్దులు, నా పాట పులి గోరు రెండు పళ్ళు, ఎక్కడో మామిడి తోట, మామిడి దగ్గర కత్తులు వచ్చాడండి, ఊర్లోకి కొత్తడు వచ్చాడు, క్యారెట్లండి, నాకేదో అనుమానం ఉందండి. కాదని నా పాట క్యాష్ లచ్చ. बहुत ही मज़ेदार था, एंटरटेनिंग था यार. लाइक बीच बीच में जो फनी एलिमेंट्स भी ऐड किए गए ना, बहुत अच्छा लगा. लाइक जिस तरह से वो जवाब देते हुए रामचरण जी के एक्सप्रेशंस थे ना, टॉप नॉच. और उनके स्टेप्स, क्या बोलूँ, हमने बहुत सारे वीडियोस देखे हुए हैं इनके ऊपर, तो उनके डांस के बारे में कोई डाउट नहीं है, बहुत ही बहुत ही बहुत ही अच्छा है. और पूजा भी बहुत अच्छी तरह से कॉम्प्लीमेंट कर रही थी उनको, और जिस तरह से दोनों के बीच में कॉन्वर्जेशंस चल रही थी ना, लाइक बहुत अच्छा लगा मुझे. मज़ा भी आ रहा था, और यू नो वो विटी आंसर्स बोलते हैं ना, वैसे लग रहा था. वो बोलती है कि जो भी पूछोगे दूंगी, और जब पूछते हैं तो कोई ना कोई बहाना बना के यू नो खिसक जाती है. बहुत अच्छा लगा. और हर एक बात का कमबैक जो होता है ना, एक के बाद एक, अच्छा लग रहा था. और आई डोंट नो व्हाई वो छोटा सा सीन इंक्लूड किया गया है बीच में, कोई इम्पोर्टेंस होगा मूवी के लिए, बट अच्छा लगा. बीच में वो सीन भी अच्छा लगा जब वो बोलती है कि तुम्हारा जो भी प्रॉपर्टी है लिख के दोगे क्या, तो उसे कान क्लीन करके फिर बोलो फिर. लाइक इन द सेंस मुझे सुनाई नहीं दे रहा है, फिर से बोलो बोल के. जब भी हम कोई बात इग्नोर करना चाहते हैं या फिर यू नो इम्पोर्टेंस नहीं देना चाहते हैं, तो बोलते हैं यार मुझे सुनाई नहीं दे, फिर से बोलो. तो वैसा लग रहा था, अच्छा लगा उनके जो भी एक्सप्रेशंस थे. और जब भी पूजा उनको टच करती है तो ऐसे एक्सप्रेशंस बना रहे थे कि वो ऑन द क्लाउड्स बोलते हैं ना, क्लाउड नाइन बोलते. अच्छा लग रहा था जिस तरह से वो एक्सप्रेस कर रहे थे अपने जो भी फीलिंग्स. और बैकग्राउंड डांसर्स जो भी एक्स्ट्रा पर्सन्स थे, उनका बहुत क्या बोल सकते हैं इम्पोर्टेंस है इस गाने में, कि जिस तरह से वो क्वेश्चंस पूछ रहे हैं. और रामचरण जी के वोकल्स में बहुत ट्राई कर रही थी गाने में सुनने के, बट मुझे लास्ट में एक वॉइस सुनाई दिया, वो आई एम श्योर वो रामचरण जी का ही है. मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि मैं सही हूँ या फिर यू नो लाइक मैंने गलत गेस किया है. वो बोलते हैं कि ना वेलम पाटा पुली गोरो, ऐसा कुछ था वो, शायद उसी ने लाइक रामचरण जी ने ही कहा होगा वो. आई एम गेसिंग, आई एम नॉट श्योर, बट वो वॉइस तो उनका ही लग रहा था मुझे. एक बात और कहना चाहती हूँ कि अगर बीच बीच में मुझे ये गाना कट करना पड़ा एडिट करते वक्त, तो ये समझिएगा कि मुझे अपलोड करने में प्रॉब्लम हो गई है कुछ, या फिर लाइक ब्लॉक हो गया है, या फिर कॉपीराइट इश्यूज आ गए हैं, तभी मैं ऐसे करती हूँ. मोस्टली मैं वीडियोस को ऐसे ही अपलोड करने की कोशिश करती हूँ, बट अगर नहीं हुआ तो थोड़े एडिट्स करती हूँ. म्यूज़िक भी थोड़ा मैं चेंज कर देती हूँ, रिप्लेस कर देती हूँ म्यूज़िक को, क्योंकि वो म्यूज़िक का बीट भी हो सकता है जो मुझे यू नो अपलोड करने नहीं देता है यूट्यूब. तो बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस हैं, तो आई होप आप समझ सकते हैं कि जो भी मैं वीडियोज़ को यू नो म्यूट करती हूँ या फिर गाने को कंप्लीट चेंज कर देती हूँ. आपने ओरिजिनल वीडियो ऑलरेडी देखा हुआ होगा तो आपको आइडिया होगा कि क्या डिफरेंट म्यूज़िक है, बट मैं जस्ट इन्फॉर्म कर रही हूँ आपको, क्योंकि अगर आपने फ्यूचर में या फिर ऑलरेडी आपने थोड़े वीडियोस देखे हैं जिसमें मेरे यू नो कंप्लीट वीडियोस नहीं होंगे, लाइक कट करके कट वर्जन्स होंगे, तो होप आप समझ गए होंगे कि यूट्यूब मुझे अलाउ नहीं कर रहा था, तो मैंने अपलोड करने के लिए कुछ यू नो जुगाड़ गया है. आप लोग बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट्स में जरूर लिख के भेज दीजिएगा. लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय.